कहे उनसे शब्द लिया है। ये बाबा नारायणदास है, बाबा श्री चंद के चले हुए। अच्छा। उनकी जगह भी मैंने एक साल बिना नागा सेवा की है। तो तलाक में ऐसे साफ चलते रहते हैं, उधर तलाक साफ करना कुछ करना। तो अभी मैं बाहर गया था पोलैंड के लिए, तो उधर बहुत तंगी आ गया। 2.5 महीने बाद ही बाथरूम में रुक गया, फिर मुझे वापस आना पड़ा। जब रुका था बाथरूम तभी वो सपने भी आते थे, जगह में जा रहा हूँ ऐसे। पहले तो बच्चे चीज साथ में लगी हुई है तेरे, आज का नहीं, कितने समय से तुझे कितने लोगों ने बताया है? बहुत लोगों ने बताया। तो फिर बहुत ज्यादा लोगों ने बताया। जम्मू में गया था, माता कालका का द्वार था, उधर भी उसने बोला तेरे रिश्ते इसीलिए नहीं आते। ये रुकावट चल रही है ना बच्चे, क्योंकि चीज साथ में लगी और दूसरे तेरे साथ शक्ति है, भैरव के साथ में खड़ा कर रखा है तूने। ये शराब छीटा देके क्यों, किसने बताया तुझे छीटा देके पीने के लिए? ये तो ऐसे भी बता ही दिए कि भी ये शक्ति पीछे हो जाएगी, शादी भी करना है, अभी कुछ भी करना है, इसीलिए दारू पीना शुरू कर दिया। दारू पीने से शक्तियां पीछे हो जाएंगी, बल्कि शक्तियां क्रोधित होंगी। शक्तियां कभी पीछे नहीं हो सकती, समझ गया? और दूसरा, ये तो खुद सेवा करता है। तो माता जी कहीं भी दिल नहीं लगता है, घर में तो एक मिनट नहीं दिल लगता है। एक कलेजी का भोग तू ही देता है? नहीं जी, मैंने कभी नहीं दिया कलेजी को। किसी से काम करवाया था? किसी से ऐसा तांत्रिक काम, तांत्रिक के पीछे नहीं गया। नहीं 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 नहीं, 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 ये कलेजी का भोग आ रहा आगे। कलेजी का भोग नहीं माता जी, आज तक तांत्रिक के पास नहीं गया। मैं नहीं मानती, ये कलेजी का भोग आ रहा है मेरे आगे, ध्यान कर ले अभी। कलेजी का भोग नहीं माता जी, दारू दिए, दारू दिए, उनके कहने पे कलेजी का कोई नहीं दिया। कलेजी का भोग आ रहा है बच्चे आगे मेरे, तो फिर ये कैसे आ गया ये बता मुझे। नहीं माता जी, दरबार में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूं, ऐसा कभी मुर्गे मरगे वाला काम नहीं किया किसी बच्चे। तूने नहीं किया, करवाया होगा तूने कहीं से पैसे दे के काम करवाया होगा। नहीं नहीं माता जी, ऐसा काम मैं कभी नहीं किया जी, मैं होश में हूँ जी, कभी नहीं किया ऐसा काम भी। क्यों, घर में माता वैष्णो की जो है सुबह शाम जाती है। तेरा घर वैष्णो है लेकिन ये चीज चल रही है साथ में बच्चे, और एक कलेजी का भोग लगा है, ध्यान कर ले बच्चे अभी भी। नहीं माता जी, मुझे पूरा ध्यान है जी, मैं ऐसे तांत्रिक के पास गया ही नहीं, जो कोई मुझे बोलता था ना ये करने के लिए मैं जाता नहीं उसके पास। 10-15 आदमी रोज के आते थे मेरे पास जगह में, ये करा ले वो करा, मैं कभी किसी की सुनी नहीं माता जी, बस जगह में ही रहना। उसके थोड़ी सी आंख में दिक्कत है।
आंख में दिक्कत है बच्चे, उसके पतला सा लड़का सांवले रंग का है। गांव में मतलब ध्यान आ रहा है बच्चे तुझे, लेकिन ठीक है, सांवले से रंग का लड़का है बच्चे, लंबा है, आंख में उसके दिक्कत है। तीन बहन भाई हैं जिसका तुझे बता रही हूँ, ठीक है। ये लड़का है बच्चे, 3 साल पहले बच्चे भोग दिया गया है कलेजी के ऊपर तेरी फोटो रख के, बात सुन ले ठीक है, तेरी फोटो रख के कलेजी का भोग दिया गया है, जिसके कारण तुझे दिक्कत आती है, हर काम में तेरी रुकावट लगती है, शरीर में भी तुझे दिक्कत आती है, सूना बना जाता है पूरे शरीर में तेरे। घर में मन ही नहीं लगता जी, भाग जाऊं कहीं, यही दिल करता है। ये पैरों में दर्द तेरे रहता है। हाँ जी हाँ जी है, हाँ जी हाँ जी। कोई मरे हुए आदमी पता नहीं कितने टाइम के मरे, वो भी रोज आते हैं बुलाने के लिए खाम। बच्चे 7 सुपारी तेरे घर में आई है क्या? हाँ जी 7 सुपारी। रखी हुई है घर पे कोई? ये 7 सुपारी में चढ़ा के आया था, कालका जी के मंदिर है बटाले में, उधर चढ़ा के आया। चढ़ा के आया? हाँ जी। ये छाया सी तुझे दिखाई देती है क्या? हाँ जी, पीछे बड़े बड़े बालों वाली जैसे। हाँ जी, कालका का रूप दिखाई देता है। हाँ, छाया कोई मुर्दे आवाजें लगाते हैं ऐसे, पता नहीं कितने टाइम के दिखते हैं, मैं ध्यान नहीं देता। अच्छा मुझे एक कुंवारी लड़की कौन मिली अपने गांव में? मरी हुई है नहीं? हाँ जी हाँ जी, मरी हुई। हाँ एक तो बच्चे वो पीछे है, हाँ, और तुझे खुद को पता लगता है? हाँ जी, जी, साथ है। हाँ जी हाँ जी पता लगता है। ये सांप तुझे दिखाई देते हैं? हाँ जी हाँ जी, कहीं लगता है ऊपर गिरने लगा, फिर पीछे हो जाते हैं। जो सांप ऊपर गिरने लगा था ना, उसी दिन मैं जगह भी गया, वही सांप उधर बैठा था। पहरा लगा हुआ है बच्चे तेरे ऊपर नाग देवता का। अच्छा। ये पहरा छोड़ा गया है बच्चे। ठीक है। और जिस दिन तुझे ये सांप दिखाई देता है उस दिन बच्चे तू बीमार होता ही होता है। हाँ जी हाँ जी, डर जाता हूँ किसी टाइम कोई ऊपर गिरने लगता है, फिर अपने महाराज को याद करता हूँ, बाबा नारायण दास को, फिर सब ठीक हो जाता है, उधर जाता हूँ जल पीता हूँ, फिर ठीक हो जाता है। ये बच्चे पहले तो बात ये है जो तेरे घर में ये चीजें घूम रही हैं साथ में, ठीक है, तेरे साथ लगी हुई है चीजें, एक तो ये कुंवारी लड़की मरी हुई है और एक बच्चे दुर्घटना के अंदर गया लड़का है। हाँ जी हाँ जी, समझ गए। हाँ। वो मैं घर वालों को बता रहा हूँ भी, हाँ वो दिखता है। हाँ, ये दो चीजें जो आ रही है आगे बच्चे, ये दो चीजें तेरे साथ हैं, बाकी जो है घर पे बेटा तेरे कोई देवी देवता का पैरा नहीं लग रहा, क्योंकि घर को शुद्ध कर दिया गया, समझ गया? घर पे गंदी चीजों का पैरा लगा रखा, और दूसरा ये तू भोग देता है ऐसे छीटा देगी, है ना, तो ये देना बंद कर दे, ठीक है, समझ गया, ये देना बंद कर दे, वैष्णव पे मान ले, ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक ये ऐसे चलता रहेगा तेरा कोई काम आगे नहीं बनना बच्चे, एक तो ये पहले इन चीजों को दूर करा दे, ठीक है, दूसरा ये नाग पैरा छोड़ा हुआ है बच्चे, एक चांदी का नाग जोड़ा लेके, ठीक है, नाग नागिन का जोड़ा लेके जल प्रवाह कर दे, 7 दिन उसकी पूजा करके घर पे, और 8वें दिन है बच्चे जल प्रवाह कर उसका, ठीक है, जो पैरा लगा हुआ है वो हट जाएगा और आगे तेरा काम है बनना।
चालू हो जाएगा, जो रुकावट है इन्हीं चीजों के कारण है। ठीक है, बता जी बिचा भी है भाई मेरा है बार का, ये हो जाएगा ना बच्चे, तभी तो बता रही हूँ। ये नाग देवता का जो नाग नागिन का जोड़ा है ये लेके 7 दिन पूजा करके इनकी, और 8वें दिन है बच्चे जल प्रवाह कर, ठीक है, उसके बाद तेरा सारा काम बनेगा, उससे पहले नहीं बन पाएगा। और इन चीजों को जो तेरे साथ लगी है दूर कर, तब जाके कोई आगे तेरा रिश्ता है जो भी है तेरे घर का है काम, सब खुशियां बनेंगी, उससे पहले कोई। क्यों माता जी, फादर साहब भी सर्विस करते हैं, छोटा भाई भी आर्मी में, मैं भी बाहर, पैसे का पता नहीं चलता किधर चला। चीजें कर रखी है ना चीजों ने, घर वैष्णो माता की पूजा करते हैं, वैष्णो की पूजा कर रही है, लेकिन घर को अशुद्ध कर दिया गया तो वैष्णो कहाँ टिकेगी ये बता मुझे, टिकेगी? तू कुछ मेरी बात सुन, तू वैष्णो है, तू कुछ खाती पीती नहीं है, ठीक है। अगर शमशानी चीजें तेरे घर के अंदर अगर तेरे आगे लाके रख दे, दूसरा सामान तेरे आगे कलेजी भोग वगैरह तेरे आगे लाके रख दे, तू वहां पे टिक जाएगी? नहीं टिकेगी ना, भाग जाएगी ना वहां से। तो वही चीज है, ठीक है, घर में दूसरी चीजों का पहरा लगाया है तो वैष्णो नहीं टिकेगी बच्चे, ठीक है। तो पहले इन चीजों को दूर करवा और उसके बाद बच्चे तेरे घर में पहरा लगेगा, ठीक है, ये काम कर बच्चे, उसके बाद बात करना। क्या ले गए और छीटा देना, ये बंद कर दे आपका, नहीं दारू बंद कर, हाँ जागरण बोल रखा है, हाँ कि जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, लग गई जॉब, नहीं लगी अभी, अभी तो मैं प्राइवेट कर रही हूँ, अभी गवर्नमेंट कोई बात नहीं। 7 चौकियां में तू फार्म भर रखे हैं क्या? अभी फॉर्म फिल नहीं किया, अभी उसका टेस्ट होना है जुलाई में, तो वो टेस्ट क्लियर होगा फिर परमानेंट जॉब करूंगी। अच्छा प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट होगी वो, फिर गवर्नमेंट हो जाएगी। हाँ जी माता, ये दूर कैसे करेंगे इन चीजों को, अभी आप भी बताओ। बच्चे बाद में बात कर लेना, बच्चे से कॉन्टेक्ट पे बात कर लेना, ठीक है जी, फोन चले जाएंगे। 2 नंबर है, बाद में बात करते हैं, ठीक है। ले इसको, गांठ को खोलना नहीं है, जल्द से जल्द तेरी सरकारी नौकरी हो जाएगी, उसी दिन ही खुलेगी। बहुत सा चित्रबार की, ठीक है, और साथ बीच में चौकियां लगा दे, 7 चौकियों के अंदर हो जाएगा।